हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि जिन लोगों के घरों में बहुत कम धूप आती है या धूप आती ही नहीं है, वो लोग कौन से प्लांट अपने घर में लगाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे ही प्लांट बताने वाले हैं जो बहुत कम धूप में भी चल जाते हैं या बिल्कुल धूप नहीं आती है तो भी वो अच्छी तरीके से चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से प्लांट हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्लांट है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है तब भी ये प्लांट अच्छी तरीके से चलता है और इस प्लांट को आप एक से दो तीन प्लांट भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें नीचे बल्ब्स होते हैं। आप उनको अलग कर दीजिए और अलग अलग प्लांट हो जाएंगे आपके। तो फ्रेंड्स, आप अपने गार्डन में जीजी प्लांट को लगाइए। फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा प्लांट है वो है मनी प्लांट। इस प्लांट को आप अपने गार्डन में लगाइए। ये भी प्लांट बहुत ही कम धूप में चल जाता है। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट की और भी बहुत सी वैरायटी होती है। मेरे पास ये एक छोटी छोटी पत्ती वाली है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जिनके यहाँ धूप नहीं आती है, मनी प्लांट लगाइए अपने गार्डन में। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा प्लांट है चाइना पाम। इस प्लांट को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है। ये प्लांट भी कम धूप में बहुत अच्छी तरीके से चलता है और देखने में भी कितना खूबसूरत लगता है। सो फ्रेंड्स, चाइना पाम लगाइए अपने गार्डन में। हमारा अगला प्लांट है एलोवेरा का। फ्रेंड्स, एलोवेरा को भी आप अपने गार्डन में लगा लीजिए अगर आपके यहाँ बहुत ही कम धूप आती है। ये प्लांट औषधीय गुणों से भरपूर है। इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको भी लगाइए अपने गार्डन में। और हमारा अगला प्लांट है डेविल्स बैकबोन। ये प्लांट भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है। इस प्लांट की भी बहुत सी वैरायटियाँ आती हैं। ये वेरिकेटेड वैरायटी है, हमारे पास सिंपल वैरायटी भी है। फ्रेंड्स, ये प्लांट इतना हार्ड है कि आप इसकी एक भी कटिंग कहीं लगा देंगे तो ये बहुत ईजली ग्रो कर जाता है। दोस्तों, अगर आपके यहाँ बहुत ही कम धूप आती है तो आप अपने गार्डन में डेविल्स बैकबोन का प्लांट ज़रूर लगाइए। बहुत ही हार्ड प्लांट है। हमारा अगला प्लांट है फ्रेंड्स करोटन का प्लांट। करोटन के प्लांट को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है। फ्रेंड्स, इसकी कलरफुल लीव्स देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। दोस्तों, तो आप अपने गार्डन में करोटन के प्लांट को लगाइए। करोटन के प्लांट की भी बहुत सी वैरायटी आती है। आप चाहें जो भी लगा लीजिए, सभी चलेंगी कम धूप में। हमारा नेक्स्ट प्लांट है एग्लोनीमा का। फ्रेंड्स, ये प्लांट भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और इसकी बहुत सी वैरायटी आती हैं और ये बहुत ही कम धूप में चल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को भी अपने घर में लगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है पीस लिली का। फ्रेंड्स, पीस लिली का प्लांट भी देखने में बहुत खूबसूरत होता है और इसके फ्लावर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ बहुत कम धूप आती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है पीस लिली का प्लांट। सो फ्रेंड्स, इस प्लांट को भी लगाइए। हमारा नेक्स्ट प्लांट है डिफेनबाकिया। इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये प्लांट भी बहुत कम धूप में अच्छी तरीके से चलता है और देखने में भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। डिफेनबाकिया की भी कई वैरायटी आती हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें जो भी लगाएं, बहुत अच्छी तरीके से ये कम धूप में चल जाती है। तो लगाइए डिफेनबाकिया अपने घर में। हमारा नेक्स्ट प्लांट है क्रिसमस ट्री। इस प्लांट को भी हम अपने घर में लगा सकते हैं अगर हमारे यहाँ धूप नहीं आती। फ्रेंड्स, मैंने ये 10 प्लांट बताए हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं कम धूप आने पर या बिल्कुल भी धूप ना आने पर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।